सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमें पाठ पढ़ना है, हिंदी फर्स्ट में पाठ 7, मेहनत की कमाई। इस पाठ में मेहनत और अपने द्वारा किए गए परिश्रम के मूल्य को दर्शाया गया है। एक नगर में धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार से काफी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातः काल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से एक अशर्फी निकाल कर पिता को दे दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसने पुत्र को फिर बुलाया, कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात को भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई गुरु न देख बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन बारी बार दोहरा दी। लड़का बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वो कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंखों आंसुओं से माँ बहन का दिल नहीं पसीजा। विवश होकर वो उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर चल पड़ा। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी भेंट एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा ये सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी ने के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वो पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वो घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस चवन्नी को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस चवन्नी को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने खुद से मेहनत करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, तो उसका मूल्य ज्यादा होता है। लेकिन क्या करते हैं, अगर हम दूसरे के परिश्रम पे निर्भर रहते हैं तो उसका कोई मूल्य भी नहीं होता है। यानी कि हम खुद मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करके करके अगर हम एग्जाम में पास होते हैं ईमानदारी से, तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है व्यापारी, आराम तलब, आलसी, प्रातःकाल, अशर्फी, तत्परता, अनुभवी, चवन्नी, कांपने, आंसुओं, हिम्मत, लथपथ, विवश।
ये थे हमारे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। अब जो हमें अभ्यास देखना है वो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमारा पहला है व्यापारी का पुत्र कैसा था। तो हमने कहानी में क्या पढ़ा है, व्यापारी का पुत्र मूर्ख था, चतुर था, आलसी था या फिर बुद्धिमान था। तो हम अभी पाठ में पढ़ चुके हैं क्या पढ़ा है हमने कि व्यापारी का पुत्र कैसा था, आलसी था। तो हम किस पे सही का निशान लगाएंगे, आलसी पे। दूसरा हमारा है पुत्र की आंखों में आंसू देखकर ममता उमड़ आई। पुत्र की आंखों में आंसू देखकर किसके ममता उमड़ आई, पिता में, माँ में, भाई में या फिर बहन में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ममता किसकी होती है, हमेशा माँ की होती है। तो इसलिए हम किस पर सही का टिक करेंगे, माँ में। किसमें ममता उमड़ आई, माँ में। तीसरा हमारा है आज्ञा का तत्परता से पालन किसने किया, किसने तत्परता से पालन किया। जब उसके पिता ने कहा था कि जाओ इस पैसे को, इस अशरफी को और वो जो 1 रुपया उसकी बहन ने दिया था उसको पिताजी ने कहा था कि कुएं में फेंक आओ, तो उस आज्ञा का पालन तत्परता से किसने किया था, माँ ने, बहन ने, बच्चों ने या फिर लड़के ने। तो इसका सही उत्तर है लड़के ने, क्योंकि हमने कहानी में क्या पढ़ा है कि जब उसके पिता ने उससे कहा था कि जाओ इस अशरफी को कुएं में डाल दो तो उसने तत्परता से पालन किया और जाकर उस अशरफी को कुएं में डाल दिया था। अगला और अंतिम हमारा जो है वो है सेठ ने सामान उठाने के बदले में लड़के को कितने पैसे दिए। सेठ ने जो सामान उठाया जब वो उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, हमने खाने में क्या पढ़ाया कि जब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था और वो शाम को बहुत परेशान हो गया, शाम होने वाली थी, तब वो क्या था बाजार में गया और उसे सेठ जी मिले और सेठ जी ने कहा था कि मेरा सामान उठाओ तो मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा। कितने पैसे की उन्होंने बात किया था, सेठ ने सामान उठाने के बदले लड़की को कितने पैसे दिए, 54। कितना दिया था, 54 दिया था। तो बच्चों ये था हमारा अभ्यास। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसकी इसके अभ्यास अपनी पुस्तक में और इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से अच्छी राइटिंग में करेंगे।